गाइस, तो आज हम एग ट्रे से एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्राफ्ट करने वाले हैं। सो, पहले हमें इसमें छोटे छोटे सर्कल्स कट करने हैं। सो गाइस, एक्चुअली इसे कट करते हुए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज इसमें एक एक सर्कल्स को कट करना है यहाँ पे, फिर बाद में उसे शेप देना तो ज़्यादा टाइम लगता है। आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं इसमें। नाउ इस तरह आपको सर्कल शेप में लाना है इसे, और सबको इकट्ठा करके अभी हम एक फ्लावर वाला शेप देंगे। सो इसमें 5 कर्व्स लगाने, फिर उसके बाद उसके कर्व शेप में कट करना है, ताकि वो थोड़ा फ्लावर जैसा शेप आ जाए उसमें, कुछ इस तरह जैसे मैं दिखा रही हूँ अभी आपको। सो गाइज, अगर आप इसे पहले ही पेंट करके कट करते हैं तो आपको बहुत ही ईजिली आपका ये फ्लावर बन जाएगा। अगर आप इसे पहले कट करते हैं, फिर उसके बाद शेप देते हैं, फिर पेंट करते तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो आप पहले पेंट कर लीजिए, तो इसलिए आप पूरे एग ट्रे को पहले ही पेंट कर लीजिए। एंड नाउ वो इस तरह का शेप हो जाएगा। अब हम पेंट करेंगे। यहाँ पर मैंने ब्लू कलर लिया है, पोस्टर कलर है ये, इसमें मैंने थोड़ा सा वाइट यूज़ किया ताकि ये थोड़ा लाइट कलर बन जाए। फिर मैंने सभी को इसी तरह से पेंट किया, एंड देन बीच में थोड़ा सा मैंने डार्क ब्लू यूज़ किया है ताकि थोड़ा एक शेड मिले उसमें, लाइक दिस। अब ये सूखने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। अब मैंने बाकियों को भी इसी तरह पेंट कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक बहुत ही पतली ट्री की ब्रांच है जो कि मैंने तोड़ा था। एंड नाउ आप इसमें थोड़ा सा ग्लू लगाइए, फिर पेपर से इसे जॉइन कर दीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 लिए हैं। एंड पेपर से पेस्ट करना ये बहुत ज़्यादा इजी है, यानी ये इजीली पेस्ट हो जा रहा था विथ पेपर ओनली। अब मैंने एक करके सारे फ्लावर्स को चिपकाया, बट फ्लावर को फेविकॉल से चिपकाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, सारे एक एक करके सब निकलते जा रहे थे। फिर मैंने एक आइडिया लगा कि मैंने सभी में पीछे पेपर चिपका दिया, फिर पेपर चिपका के मैंने उसे जब पेस्ट किया तो वो थोड़ा चिपक रहा था। तो आप भी पेपर का यूज़ कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सब जगह पेपर चिपकाया, फिर उसके बाद मैंने उसे पेस्ट किया, क्योंकि उसके बाद ईजिली ये पेस्ट हो जा रहा था। रात भर मैंने इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग अच्छी तरह से ड्राई हो गया। और आप एक फ्लावर के साथ 2 फ्लावर्स एक्स्ट्रा चिपकाइए, 3 फ्लावर्स एक साथ चिपका दीजिएगा। नाउ हम उसी जो एग ट्रे के जो लेफ्ट ओवर पर्स थे, अब हम उसे वाटर में डाल के थोड़े से छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे, फिर उसे फेविकॉल की हेल्प से सब में पेस्ट कर देंगे, और जब ये सूख जाए तो हम उसे फिर से थोड़ा येलोइश पेंट कर देंगे। एंड नाउ आप देख सकते हैं, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये हमने मार्केट से ख़रीदा है। सीरियसली गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि आप इसने अभी अभी आप मार्केट से इसे ख़रीद के लाएँ।